कैमरा मोमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट सिद्धार्थ। आज के सफर में मैं आपको ले चलता हूं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था और इसमें हजारों की संख्या में हर साल सामान्य, दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं। वैसे तो मैं यहाँ अक्सर ही आता जाता रहता और इस तरह सितंबर में इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता ने मुझे फिर से अपनी ओर बुला लिया। आइए इस चलचित्र में मैं आपको दिखाता हूं मेरे इस बार के सफर से जुड़े कुछ पल और मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रकृति और जीवन वन्य जीवन के करीब ले आएगा। जैसे कि वृक्ष की डाली पे बैठा हुआ यह यूरेशियन गॉलिंग डव, इसको यहाँ बैठना रास आ गया और यह पक्षी बड़े ही सुकून से उस डाली पर काफी वक्त बैठा और मैंने इसकी कुछ तस्वीरें भी खींची। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि नजर गई इस इंडियन मॉनिटर लिजर्ड पे, जो बहुत सुकून से इस जमीन से नजदीक वृक्ष की टहनी पर रेंगता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हालांकि मेरे पास एक DJI का गिम्बल था जिससे मैं बहुत सारा जूम तो नहीं कर सका, पर मैं आपको एक क्लोजअप इमेज दिखाऊंगा जिससे आपको ये महसूस होगा कि इसकी आंखें कितनी ही खूबसूरत है। वन्य जीव जंतुओं को नेचुरल हैबिटेट में देखने का आनंद ही कुछ और है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वैसे तो मोर काफी नजर आते हैं, पर इस बार मोर की कुछ अलग तस्वीर उतारने का मन बना था और कुछ ही पलों में दूर उस पेड़ की टहनी से बैठे इस मोरनी ने मुझे वो मौका दिया जिसकी तलाश मैं कर रहा था। सुबह का वक्त था, गोल्डन आवर, सॉफ्ट रोशनी पड़ रही थी, बट अगेंस्ट लाइट, सो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए और मैंने एक सिलवेट तस्वीर उतारी जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसे अंग्रेजी में सिलवेट कहते हैं। कहीं से फिर खबर मिली कि कुछ दूरी में मुख्य रोड से हटके इंडियन जैकल देखे गए हैं, जिन्हें हम CRP कहते हैं, और थोड़ी दूर के तय करने के बाद मुझे एक जैकल रोड क्रॉस करते हुए दिखा। फिर थोड़ी दूर और गया तो मुझे मेल और फीमेल जैकल दिखे। मैंने कुछ रोचक तस्वीरें खींची जिन्हें आपसे शेयर करना, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अन्य पक्षी तो काफी दिख रहे थे, पर इस बार मैंने व्हाइट आई बजर्ड नाम के एक रैप्टर प्रजाति के पक्षी को देखा, जो मेरे लिए एक रोचक अनुभव था। इस पक्षी को इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था और इसी वजह से मैंने कुछ देर इंतजार किया ताकि ये एक निर्धारित जगह पे कुछ देर आके बैठे और मैं इसकी तस्वीर ले पाऊं। हालांकि कोई अच्छा एंगल तो नहीं मिला, क्योंकि आमतौर पर रैप्टर्स थोड़ी ऊंचाई पे ही पर्च करना पसंद करते हैं और बैकग्राउंड भी आसमानी था, पर एक रिकॉर्ड शॉट तो ले ही लिया मैंने। पर एक्सपीरियंस काफी रोमांचक था, इसे मैं कभी भूल नहीं सकता। और तो और मेरे गाइड ने यह भी बताया कि यह पक्षी कुछ ही दिनों में वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में माइग्रेट करके चला जाएगा, जहां पे ये फुल एडल्ट में ग्रो करेगा और उसके बाद जैसे ताल छापर और ऐसी जगहों पे इसकी साइटिंग ज्यादा होगी। इतनी मशक्कत के बाद जब इस पक्षी के दीदार में हुए तो मुझे काफी ही अच्छा लगा और मैंने एक क्लोजअप तस्वीर तो ले पाया अपनी जूम लेंस के थ्रू, बट जैसा मैंने कहा कोई खास बैकग्राउंड नहीं था, पर रिकॉर्ड शॉट काफी अच्छा था जिससे मैं इस पक्षी के बारे में थोड़ा और गौर से जान पाऊं इसके फीचर्स के बारे में और ये पक्षी दिखता कैसा है। और ये कुछ वो मोमेंट है जो मैं इस व्हाइट आई बजर्ड की फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कुछ और एंगल मिले, क्योंकि ये बर्ड इधर से उधर बर्ज कर रहा था और लास्ट में आके इस बिजली के पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर आके कुछ समय के लिए बैठा और वही मौका था जो मैंने इस्तेमाल किया और एक क्लोजअप तस्वीर उतारी। और ये वक्त वही है जब मैं ये क्लोजअप फोटो ले रहा था ताकि मुझे साइड और फ्रंट कुछ फीचर्स तो एटलीस्ट वेरी क्लियरली दिख जाए, ताकि मुझे पता चले ये बर्ड एग्जैक्टली दिखता कैसा है। पर मुझे ये पता चला कि ये बेसिकली अभी जुवेनाइल है, फुल ग्रो
फुल ग्रोन एडल्ट नहीं हुआ है। मैंने अपने सफर को आगे बढ़ाया पर सिलसिला बस यहीं पर नहीं रुका। कुछ दूरी तय करते ही एक बड़े से नीम के वृक्ष पर बैठे इस इंडियन स्पॉटेड आउलेट ने मेरे बेचैन मन को थोड़ी शांति दी। मैंने अपने ट्राइपॉड के सहारे उचित दूरी बनाते हुए उस उल्लू की चलचित्र बनाई और इससे देखता रहा, और ये उल्लू भी बड़े सुकून से इसी डाली पे बैठे अपना समय बिताता रहा। इस पूरे सिलसिले में मैं इस खूबसूरत आउलेट के व्यवहार, तौर तरीकों और इस चीज से खुद को वाकिफ करवा रहा था। जो व्यवहारिक लक्षण आप अभी देख रहे हैं इसे प्रीनिंग कहते हैं। यह आउलेट अपने पंख और शरीर के अन्य भागों की सफाई कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे यह आउलेट एक दिन पहले बारिश में थोड़ा भीग गया होगा और आज जब सूरज की रोशनी तेज हुई तो इसे हल्की दिक्कत होने लगी और इसलिए यह आउलेट काफी देर तक प्रीन करता रहा। और तो और इसने कुछ अनोखे पोज भी दिए जो इससे पहले मैंने कभी किसी आउलेट को करते हुए नहीं देखा था। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो पर्यावरण के और वहां पाए जाने वाले वन्य जीव जंतुओं की सम्मान करें, और इसलिए आप ज्यादातर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के पास जूम लेंस देखेंगे जिससे वो उचित दूरी बनाते हुए पक्षियों या अन्य जीव जंतुओं की तस्वीर लेते हैं। इस आउलेट का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये चलचित्र देखें जो कि तकरीबन 4 से 5 मिनट का ड्यूरेशन है, और इसे एंजॉय करें और उम्मीद करता हूं आपको इससे एक अनुभव मिलेगा।
अब इसकी प्रीनिंग तो खत्म हो ही नहीं रही थी और ये इसी डाली पे बैठे प्रीन किए जा रहा था। ना इसको कहीं और जाना था, ना कहीं इसको और पसंद आ रहा था, ना कोई और जानवर इसे परेशान भी कर रहा था। अभी आप जो देखने वाले हैं वो है सुपरमैन का पोज, जो कि इस आउटलेट ने बड़े ही बखूबी तरीके से दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक एयरक्राफ्ट की तरह उड़ते हुए निकल जाएगा हवा को चीरते हुए। और ये पोजीशन और ये पोज मैंने लाइफ में पहली बार किसी आउटलेट को देखा और मैंने इसकी काफ़ी तस्वीरें उतारी और एक तस्वीर मैं कुछ खास लगी तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद आपको पसंद आएगी, जिसमें एक साइड यह आउटलेट अपने पर को फैलाए हुए पूरी तरह से फुल वाइट स्पैन किया हुआ है, दूसरा साइड नॉर्मल है और एक तरह का पैर थोड़ा सा आगे की तरफ किया हुआ है। तो इट वॉज लुकिंग वेरी वेरी यूनिक टू मी, सो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे ये तस्वीर शेयर करता हूँ और आपको भी लगेगा कि ऐसे तो आउटलेट आपने कभी देखा नहीं होगा, बट हाँ मेरे लिए भी एक पहला अनुभव था और उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी शायद हो और आपको पसंद आए। पड़ाव मेरा स्टॉर कॉलोनी था, जहाँ इस बार मेरा लक्ष्य पेंटेड स्टॉक नहीं पर एशियन ओपन बिल्ड स्टॉक समूह को देखना था। जब तक मैं वहाँ पहुँचा, सूर्य की तेज रोशनी ने आसमान के आबो हवा को नीले से सफ़ेद कर दिया था, पर हिम्मत ना हारते हुए मैंने ट्राईपॉड के सहारे इन एशियन बिल्ड ओपन स्टॉक समूह को देखा, इनकी वीडियो और कुछ तस्वीरें ले पाया और व्यवहारिक तौर तरीकों से खुद को वाकिफ कराया। उम्मीद करता हूँ ये चलचित्र आपको अच्छा लगे और आपके लाइफ में एक नया अनुभव ऐड करे, क्योंकि पेंटेड स्टॉक्स तो बहुत देखे जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं, बहुत कलरफुल भी होते हैं और आई कैचिंग भी होते हैं, पर एशियन ओपन बिल्ड स्टॉक एक ऐसा पक्षी है जिन्हें आप आमतौर पर बहुत रेगुलरली नहीं देखेंगे। और इसकी खासियत ये होती है कि अगर आप इसका बिल देखेंगे तो ये जब अपने बिल को पूरा क्लोज किया हुआ होता है तो इसके बीच में गैप होती है, वो पूरी तरह से एयर टाइट बिल नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जो बिल, दोनों बिल्स जब ऐप पूरा बंद करने के बाद जो एक गैप दिखता है, उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है एशियन ओपन बिल्ड स्टॉक। ऐसा नहीं कि ये भी अपने बिल को पूरा ओपन करके ही हमेशा रहता है, जब भी क्लोज भी करेगा उसके बीच में आपको एक गैप दिखेगा, बहुत ही हल्की सी एक सेपरेशन दिखेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये ओपन है, ओपननेस दिख रहा है इसके कहीं ना कहीं, तो इसीलिए इसका नाम है ओपन बिल्ड स्टॉक। और ये पेंटेड स्टॉक के आसपास के ही हाइट और वजन का होता है, तो मैं अभी आपको एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें फुल विंग स्पैन शो हो रहा है एक ऐसे स्टॉक का, जैसे आप देख रहे हैं जैसे अभी इसने उड़ा, उसी तरीके से एक फोटो भी मुझे मिला जिसपे आपको थोड़ा बहुत और फीचर्स इसके अच्छे से नजर आएंगे।
और तो और इस बार मैंने एक इंडियन नाइट जार भी देखा जिसे हम हिंदी में भारतीय छप्पा भी कहते हैं। वैसे तो मैं ये पक्षी पहले काफी बार देख चुका हूँ और इसी नेशनल पार्क में भी काफी बार देख चुका हूँ, पर जितनी बार भी इसे देखता हूँ इसे देखने का अनुभव एक नया जैसा होता है। आपकी जानकारी लिए बता दूं, इंडियन नाइट जार दरअसल एक नॉक्टर्नल पक्षियों की श्रेणी में आता है। सूर्य अस्त होते इसे उड़ते हुए देखा जा सकता है, पर दिन के वक्त अक्सर इस पक्षी को आप किसी वृक्ष के डाल पर आराम करते हुए देख सकते हैं। हालांकि इस पक्षी के कैमोफ्लैजिंग नेचर और इसके जो तौर तरीके हैं, इस कैमोफ्लैज तरीके से रहने की वजह से इसे ढूंढना इतना आसान नहीं होता। इसे आराम करते देख अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आने ही लगी थी, पर अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। चलिए आप इस वीडियो को देखें और आनंद उठाएं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल अक्सर देखे जाते हैं और यहाँ एक काफी बड़े साइज का टर्टल यानी कछुआ प्रजाति है या कछुआ वल्नरेबल श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि इसकी तादाद में कई वर्षों में काफी गिरावट नजर आई है। इस चलचित्र में आप इस कछुए के कुछ काफी रोचक हरकतें करते देखेंगे और आप सभी को इस कछुए की एक क्लोजअप तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसे आपको इसके शारीरिक बनावट का अंदाज होगा और क्लोजअप तौर पे इसको आप जब देखेंगे तो इसकी आंखें, इसके नॉस्ट्रिल्स, इसका फेस कैसा दिखता है ये आपको इस तस्वीर के थ्रू दिखेगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बहुत छोटे बड़े जलाशय हैं जिनमें एक्वाटिक पक्षियों का बसेरा होता है। वैसे ही इस चलचित्र में ये एक छोटा सा वेटलैंड एरिया है जिन्हें आप प्राइमरी वेटलैंड्स में काउंट नहीं करेंगे, बट सब वेटलैंड जो कि एक छोटा सा एरिया निकल जाता है जहां पानी जम के एक वेटलैंड जैसे का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसे ही एक छोटे से वेटलैंड में आप देख पा रहे हैं व्हाइट इग्रेट, स्पूनबिल और ब्लैक हेडेड आइबिस जैसे पक्षियां जहाँ जो कि अपना खाना ढूंढते हुए पाए जाते हैं और एक ही साथ को एग्जिस्ट करते हुए एक छोटे से वेटलैंड में इतने सारे पक्षियों के वैरायटीज, दिस इज क्वाइट अनबिलीवेबल। अक्सर ह्यूमन बींग्स में आप ऐसा होते हुए नहीं देखेंगे। इसी वीडियो के बाद आप ग्रेट इग्रेट पक्षी की एक तस्वीर देखेंगे जो कि मैंने शाम की सुनहरी धूप का सहारा लेके खींचा था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी।
बस यही तक था आज का मेरा और आपका ये सफर केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान का, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। धन्यवाद।